सारे भारतवासियों और नेपाल वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और थंबनेल देखे शायद आप लोग समझ गए होंगे, जी हाँ, आज मैं रिएक्शन नहीं करने वाला हूँ। आज एक न्यूज़ निकल के आ रही है नेपाल काठमांडू से, जो कि बहुत ही दुख वाली खबर है। मुझे शौक लगा वैसे। खबर ये है कि अनमोल केसी, जो नेपाल के बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है काठमांडू पुलिस द्वारा। मैं बड़ा शौक हो गया ये देख के, तो मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला है कि सुदर्शन थापा बैनर, जिन्होंने प्रेम गीत बनाई थी, मस्त गीत गाऊं छू पॉल सा के साथ बनाई थी, ज्यादातर उनके साथ पूजा शर्मा ही काम करती है, और प्रेम गीत वन बनाई थी जो पूजा शर्मा के साथ थी, बहुत बड़ी हिट थी। तो हाल ही में अभी एक टीजर आया था अनमोल केसी का फरकी फरकी, जिसका मैंने रिएक्शन भी किया था, जिसमें अनमोल केसी बहुत डैशिंग लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, वो फिल्म पे काम चल रहा है। तो अभी एक सुदर्शन थापा से कोई ऑफर आया था अनमोल केसी को, जिसका नाम था रावण करके कुछ था, उसका मेरे को पूरा नाम नहीं अच्छे से याद है। तो उनको ऑफर किया, पेमेंट भी दे दिया था 10 लाख रुपए, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो भुवन केसी जी हैं, जो अनमोल केसी के फादर हैं, उन्होंने अनमोल केसी को कहा कि तू फरकी फरकी मत कर, अभी पहले ये रावण कर ले सुदर्शन थापा की, क्योंकि सुदर्शन थापा की जो बैनर है बहुत अच्छे बैनर में आता है नेपाल के अंदर, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो भुवन केसी जी चाहते थे कि फरकी फरकी से पहले ये वाला फिल्म रिलीज हो जाए हमारा, फरकी फरकी हम कर लेंगे। तो जो सुदर्शन थापा है उन्होंने सोचा कि हाँ यार, अपने घर की बात है, तो उन्होंने कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया, पेमेंट वगैरह कर दी थी उनको। लेकिन अनमोल केसी जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी उनकी, सुदर्शन थापा की जो मूवी थी, लेकिन उनको कुछ सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले फरकी फरकी करूँगा, काम करना शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसा हुआ कि सुदर्शन थापा की वाइफ ने कंप्लेंट कर दी उनकी कि भाई ऐसा पेमेंट भी ले लिया और हमारा काम पहले नहीं कर रहे, तो फिर उनको अरेस्ट किया गया है। मतलब ये मेरे को सुनने में आ रहा है, बाकी सच्चाई क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। बाकी बहुत गलत बात है ये, ठीक है आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उनको ऐसा कंप्लेंट नहीं करना चाहिए था पुलिस के द्वारा, ये गलत है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है हमारा, एक फैमिली जैसा होता है, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी सच्चाई क्या है वो आप ही जानते होंगे, आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता, बट मेरे को जो सुनने में आया, जो दिखने में आया, मैंने बताया है। अनमोल केसी के फैंस को यहाँ बहुत दुख होगा, क्योंकि ऐसे अरेस्ट होना ये अच्छी बात नहीं है हमारे स्टार के लिए, और हमें बहुत दुख होता है जब हमारे कोई स्टार के साथ ऐसा हो जाता है। पिछली बारी पॉल शाह के साथ हो गया था, पॉल शाह की तो खैर बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अनमोल केसी की तो बहुत कम है, वो तो चलो हो जाएगा। अब उनके पापा जो हैं भुवन केसी जी, विकास बोर्ड के मतलब वो अध्यक्ष हैं कोई, वो वही देखते हैं सारा वहाँ का काम, तो उनके साथ गलत तो होने नहीं देंगे। बाकी ये कि क्या ये सब होने के बाद अनमोल केसी सुदर्शन थापा के साथ काम करेंगे, उसके बैनर के साथ काम करेंगे, मुझे नहीं लगता नहीं करेंगे। अगर एग्रीमेंट हुआ है तो शायद अनमोल केसी को करना ही पड़ेगा। बाकी नेपाल के जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे आपस में ना लड़ाई करें, आपस में प्यार करें, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ऐसे मुद्दा डालना पुलिस का ये गलत लगा मुझे। क्योंकि एक इमेज होती है, और अनमोल केसी को जो है मेगा स्टार कहा जाता है, नेपाल का सुपरस्टार है वो, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, तो आप सब मिलके रहें, ऐसा ना करें। तो जितनी भी बातें मैंने आपको कही हैं ये सब मैंने न्यूज़ में से ही देख के मैंने आपसे शेयर किया है, ये मैंने अपने इंडियन सब्सक्राइबर के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलो आपसे विदा लेने का वक्त आ गया, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोसी का, और मेरा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या सच्चाई है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय नेपाल, जय भारत।